हेलो एवरीवन, आज मैं बीन्स यानी कि बोड़ी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और इसके साथ दो आलू मैं छील के रख दी हूँ। बच्चा जो है मेरा, बोड़ी उसको नहीं पसंद है, आलू पसंद है, तो मैंने बोड़ी को अच्छे से काट लिया है, धो लिया है और इस कंटेनर में रखा है, इसलिए धो के रखा है क्योंकि इसमें जो पानी है वो छन के गिर जाए, क्योंकि हमें मेज पे रखी हूँ इसीलिए मैंने उसके नीचे एक और कंटेनर लगा दिया है जिससे उसका पानी झर के नीचे चला जाए। और वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा मैं कैसे इसको बनाती हूँ। इतना टेस्टी ये बनता है, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी लगती है। और मैं इसीलिए दो आलू डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे के लिए दो आलू काफ़ी। बोड़ी की सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने दो प्याज लिया, दो मिर्च लिया और एक गार्लिक, एक लहसुन लिया है। इन सबको काटेंगे और देखिए मैं फिर कैसे बनाती हूँ, काट के दिखाती हूँ। हाँ, आप लोग आगे देखिए, मैंने प्याज को चॉप कर दिया है, गार्लिक को भी अच्छे से छील दिया है और दो मिर्चे जो मैं हरे वाले लिए थे उसको भी काट दिया है। इसलिए मैंने हरे मिर्चे लिए हैं क्योंकि हरे मिर्चे मेरे वहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं। कभी कभार कोई तड़का देना हुआ, कोई सोदापन देना हुआ या लाल मिर्चा भी आप लोग यूज कर सकते हैं सूखा हुआ। ये सारे मसाले हैं, ये धनिया पाउडर है, इसी में जीरा पाउडर मिक्स है, काली मिर्च मिक्स है और ये गरम मसाला है, ये कश्मीरी मिर्च है, ये हल्दी है, ये सब्जी मसाला है और ये दो तेज पत्ते हैं तड़के देने के लिए। अभी मैं आगे आपको आप लोगों को बताती हूँ कैसे और क्या करना है। तो मैंने खाली में लहसुन को और प्याज को थोड़ा डाल के क्रश कर दिया है। अगर आपके पास ग्राइंडर तो ग्राइंडर से क्रश पीस सकते हैं, नहीं तो मैं देसी अंदाज में खलनी से ही कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट की जो प्रॉपर वोल्टेज होती है वो सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं खलनी में क्रश कर दी हूँ। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं, कभी ऐसे भी करके आप लोग देखिएगा। अब आगे गैस पे कढ़ाई रख दिया है और वो गर्म हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें ऑयल। देखिए मैं इतना ऑयल डाल दी हूँ, जितना ज़रूरत है मैं उतना डाली हूँ। और फिर मैं इसमें डालूँगी, अभी थोड़ा ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल देती हूँ दो तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद फिर इसमें डाल देती हूँ, इसी वक्त मैं ये मेथी डाल देती हूँ। मेथी डाल दी, अब दोनों चटकने लगेंगे। उसके फिर बाद में क्या करूँगी, थोड़े गर्म हो जाएंगे, थोड़ा सा लाल हो जाएगा। अब मैं प्याज डाल दूँगी इसमें। जब मैं प्याज डालूँगी थोड़ा इसको चला दूँगी ऐसे, फिर साइड में थोड़ा सा ऐसे साइड करते हुए। मैं पहले भी बताई थी पिछले वीडियो में कि मेरे यहाँ बच्चे हैं, आजकल की मिर्चे इस समय जो आ रहे हैं बहुत ही तगड़े चीते वाले आ रहे हैं, गोल वाले मिर्चे हैं, तो उससे जो है खांसी आने लगती है बच्चों को, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा प्याज डालने के तुरंत बाद मिर्चा डाला क्योंकि उससे सपोर्ट मिल जाएगा, वो जल्दी से जलेगा नहीं, मुझे थोड़ा भी वो लगता है तो खांसी आने लगती है बच्चों को और बाहर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, जो बैठे रहते हैं सीधे बाहर जाता है इसका इसलिए। तो मैं जो है इसको अच्छे से भून दूँगी। देखिए मैं भून रही हूँ, भूनने के बाद मैं क्या करूँगी, इसी वक्त मैं नमक डाल देती हूँ इसमें। प्याज जब मैंने डाला था तो उसी वक्त उसमें नमक डाल दिया था और मैं सारी सब्जियों को डाल के ऐसे चला देती हूँ। थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, सॉटे हो जाएगा और जब ये थोड़ा बुझा जाएगा ना इसके स्वाद कुछ अलग दिखेंगे। अब ऐसे ही डायरेक्ट हम मसाले डाल देंगे और ऐसे ही इसको पैक कर देंगे, इसके स्वाद अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप लोग थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ी देर इसको ऐसे ही फ्राई कर देंगे। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ हटा के। फ्राई करने के बाद क्रंचीपन आ जाता है, देखिए कितनी खूबसूरत है। मैंने बीन्स को फ्राई किया और उसके बाद क्या किया, गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट डाल दिया था, उसके साथ थोड़ा सा पानी डाला था, जब खलनी को धुला था उसमें मसाले डाल दिया मैंने। अगर आप चाहें तो सारे सब्जियों को एक प्लेट में निकाल के और तेल डालकर उसको गर्म करके तब आप मसाले डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। वैसे भी कम ऑयल में मैं सरसों का जो तेल है यूज करती हूँ, कम ऑयल में बनाती हूँ जिसे स्वास्थ्य परिपूर्ण हो। और ऐसे ही अभी कुछ देर उलट पलट करेंगे और मैंने मसाले को मिक्स करके उसके बाद उलट पलट करने के बाद सबको मिक्स कर दिया। देखिए कितने अच्छे टेक्सचर आए हुए हैं, आप लोग भी ऐसे बनाइए और सारी रेसिपी को अपने घर वालों को खिलाइए, उनको खुश करिए।
सब्जी बनने के बाद मैं देखिए प्लेटिंग कर रही हूँ क्योंकि खाने के टाइम हो गया है, और मैं सब्जी के साथ रोटी भी बना रही थी एक साइड में, और मैं प्लेटिंग कर दी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो इसी तरह और भी देखना चाहते हैं तो आपके एक कमेंट से मेरा दिन बन जाएगा, और मैं इसी तरह और भी वीडियो आसान तरीके से लाती रहूँगी जिससे आप आसानी से बना सकें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।